तंग किया हुआ है, 5-6 बार तो वीडियो कैंसिल करनी पड़ी है, अब ऐसे ही बनाएंगे आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू जी। आज जनरेटर ख़राब हो गया है तो जनरेटर को करना है ठीक, इतना मसला नहीं है जनरेटर का, बस थोड़ा सा मसला है प्लग का मसला होगा और थोड़ा सा मसला है उसका आयल का, आयल थोड़ा कम होएगा उसका, तो आयल डालना है उसमें, उसकी प्लग की सफाई करनी है, तो वो भी करना है क्योंकि लाइट चली गई है और जनरेटर के बगैर इस गर्मी में रहना, लाइट के बगैर इस गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है। तो अबू भी थके हुए आते हैं, फिर रात को लाइट चली गई तो जनरेटर ना ऑन हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप करते हैं जनरेटर को ठीक। तो आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, इसलिए आप पहले वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं, अभी जनरेटर को सेट करते हैं। तो और आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे आपको नीचे आइकन मिल जाएगा सब्सक्राइब का और साथ में बेल आइकन को आपने ऑल पे कर देना है ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह आपको रोज़ नए व्लॉग मिलेंगे, अच्छे व्लॉग मिलेंगे, ठीक है। वीडियो करते हैं शुरू। जी आपने देखा है ये जनरेटर, इसकी क्या हालत हुई हुई है, तो अभी करना है इसको बिल्कुल ठीक है। तो इसको पहले उधर लेके जाना है उस जगह पे, तो फिर इसकी सफाई वगैरह करनी है, फिर इसका प्लग वगैरह और सब कुछ चेंज करना है और फिर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, तब तक लाइट भी आ जाएगी। अब पहले ऐसे करते हैं कि गैस का कनेक्शन बंद कर देते हैं ताकि गैस लीक ना हो। गैस को पाइप रिमूव कर दिए, ये इसके सारे स्विच वगैरह रिमूव कर देते हैं, ये स्विच रिमूव कर दिए। अब करना है जी इसको, ये ऑटो ऑफ वाला सिस्टम है, ये इसको भी रिमूव करना है ऐसे। सिस्टम हमने रिमूव इनको अगर मसला ना बने, अब जनरेटर अपने नीचे इसलिए इसको ऐसे उठाते हैं जनरेटर के नीचे, आप जिसको देखते हैं साइड पे आप आराम से घूमते हैं। जी ये सब औजार वगैरह ले आए हैं घर से, तो अब सबसे पहले इसकी ये पेट्रोल वाली टैंकी रिमूव कर देते हैं। हाँ जी, तो ये प्लास में ले आए हैं,
अब इसको खोलते हैं और ग्लास से भी थोड़ा हाँ जी, तो अब मैं रैंक्स लेके आया हूँ, हमने इसकी मदद से खोल दिया जी, ये खुल गया इससे। अरे सारे एक ही जगह रखते हैं ताकि गुम ना हो जाए, ये साइड रख दिया। अब इसके पेट्रोल वाला पाइप वगैरह वो सब भी मिलते हैं, ये पेट्रोल वाला पाइप भी पा लिया। अब कर लेते हैं टैंकी को, देखते हैं आप ये देखें जनरेटर की हालत, टैंकी की हालत आप देखें पहले, फिर ये देखिए जनरेटर की हालत। देखिए बहुत गंदी हालत हुई है इसकी, तभी ये बीमार हो गया। अब इसको सही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे करते हैं कि इसका प्लग खोल लेते हैं, ये जी इसका प्लग इधर, तो उसको सफाई करते हैं, फिर इसकी वायर से सफाई करनी है और फिर इसको बंद करना है और फिर स्टार्ट करना है, क्योंकि लाइट अभी तक आई नहीं है। अब करते हैं जी प्लग को ओपन, ये प्लग वाला लग गया है, अब लगाएंगे ये, इससे करेंगे प्लग ओपन। ये देखें जी प्लग की हालत, आप चेक करें क्या हुई भी आगे से, तो इसको आप सफाई करनी है इसकी और फिर इसको वापस लगाना है। चेक करें आप कर लिए, आप कर लेते हैं जनरेटर की बॉडी की सफाई करते हैं, क्योंकि ये बॉडी बहुत गंदी हुई है, तो पहले इसको ऐसे कपड़े से साफ़ करेंगे और फिर अगर कोई थोड़ा सा मिट्टी का तेल लगा के उससे साफ़ करेंगे इसको। तो सफाई करते हैं शुरू, और देखें देखें जी अब पहले से हालत बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि सफाई की है, मिट्टी वगैरह सारी उतार ली है। देखें जी और अब इसका प्लग लगाते हैं, पहले प्लग लगना है और फिर इसमें ऑयल थोड़ा कम हो गया है, फिर ऑयल डालना है। देखें जी हमने जनरेटर का प्लग भी साफ़ करके लगा दिया, साथ में हमने उसकी ऑयल भी चेंज कर दिया और सफाई भी कर दिया। अब टैंकी वापस लगानी है और जनरेटर को करना स्टार्ट, आप देखें जी अब हो गया जनरेटर बिल्कुल यस, ठीक है। अब इसको बस उधर लगाना है वापस और स्टार्ट करना है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि लाइट आ गई है कि नहीं, क्योंकि मैं अवेली में हूँ। देखते हैं अब इसको स्टार्ट करते हैं एक बार। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी, जनरेटर हो गया स्टार्ट, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई, पता नहीं लोड शेडिंग क्यों हो रही है इतनी। सर्दियों में गैस नहीं होती और गर्मियों में बिजली नहीं होती, इन्होंने भी सही निज़ाम बनाया हुआ है, पर जनरेटर हो गया स्टार्ट और आपको आवाज़ आ रही होगी जनरेटर के पीछे।
हाँ जी, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जो जो क्वेश्चन हैं, क्यूरीज हैं, वो उनसे डिस्कस करें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।